करवाए जाने के विरोध में छात्रों ने थाली और ताली बजाकर सरकार के सामने अपनी बात रखी। छात्रों की मांग है कि सरकार रोजगार के अवसर मुहैया करवाए और जल्द से जल्द प्रतियोगी परीक्षाएं करवाएं। ये तस्वीरें आप वाराणसी की देख रहे हैं। बिहार के कैमूर में और उत्तर प्रदेश के वाराणसी, हापुड़, अलीगढ़, प्रयागराज से तस्वीरें आई हैं। ये हापुड़ की तस्वीरें हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो प्रयागराज में भी छात्रों ने कहा है कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, लेकिन सरकारी भर्तियों पर ताला लटका हुआ है और प्राइवेट सेक्टर में भी कर्मचारी निकाले जा रहे हैं। कई छात्रों ने कहा है कि आर्थिक मुश्किलों के चलते बहुत से लोग पढ़ाई छोड़कर अपने घर लौटने को मजबूर हैं। वहीं सहायक लोको पायलट की परीक्षा जो पास कर चुके हैं, उनमें से बहुत की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है और वो भी काफ़ी परेशान हैं। ये विरोध इसलिए है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने। घर में माँ बाप का रोजगार चला गया है, भाइयों के रोजगार छिन गए हैं, हम लोग बहुत समस्या में हैं। हमारे पास खाने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। थोड़ी बहुत जो अपनी पॉकेट मनी थी जिसे हम बचा के रखे थे और उसी से हम लोगों का खर्च चल रहा है। बस बहुत जल्द हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ताली थाली बजाए थे सम्मान में और आज बजा रहे हैं स्वाभिमान में। RRB NTPC का एग्जाम डेट, मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार दो। बेरोजगार साथियों के लिए ताली और थाली, एक बार मोदी जी के लिए तो एक बार रोजगार बेरोजगारों के लिए भी बजनी चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हैं। रवीश, जरा बताइए, इन जो छात्रों की, युवाओं की, बेरोजगारों की जो परेशानी है और किस तरह से ये मुहिम आज हुई, दिन भर चली जो जी। जी देखिए निधि, आज जो मुहिम चलाई बेरोजगारों ने, उसका ही ये नतीजा है कि रेलवे मंत्री को ट्वीट कर ये जानकारी देनी पड़ी कि 15 दिसंबर को रेलवे की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। पिछले साल जब वैकेंसी निकली थी 1,40,000 भर्तियों की, तब सरकार ने इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था और ये कहा था कि इसके जरिए वो बड़े पैमाने पर रोजगार बेरोजगारों को देगी। और 1,40,000 रिक्तियों के मुकाबले तकरीबन 2,40,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बेरोजगारों की फौज है। 2,40,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। अब उनकी जो है वो खुद जो है वो रेल मंत्री कह रहे हैं कि अब उनके छटनी का कार्य पूर्ण हो चुका है और 15 दिसंबर को एग्जाम होगा। तमाम सारे रेल मंत्री ने जो ये ट्वीट किया है कि 15 दिसंबर को परीक्षा आयोजित किया जाएगा, उन ट्वीट के नीचे तमाम सारे अभ्यर्थियों ने, तमाम सारे बेरोजगार युवकों ने ट्वीट कर पूछा है कि जिन जगहों पर उनकी नियुक्ति हो चुकी है, जहां पर रिजल्ट आ चुके हैं, आखिर वहां पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई। तो ऐसे तमाम सारे सवाल जो है वो रेल मंत्री से पूछे गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है बेरोजगार नवयुवकों की कि जिस तरीके से आज देश भर के अलग अलग जगहों पर इन नौजवानों ने थाली बजाई है, उससे सरकार पर यह दबाव पड़ा है और दबाव का ही ये नतीजा है कि अब रेल मंत्री को परीक्षा की जानकारी देनी पड़ी है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो है वो सोशल मीडिया पर तमाम सारी मुहिम जो है वो ये लोग चला चुके हैं और इससे पहले धरना, प्रदर्शन, लाठी चार्ज तक हो चुका है, लाठियां खा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जब सरकार ने इस पर कान नहीं रखा, तब जाकर बेरोजगारों ने अलग अलग जगह पर इस तरीके का सोशल मीडिया पर मुहिम चलाया और थाली बजाने का अभियान चलाया। अब आप सोचिए निधि कि एक लोअर मिडिल क्लास का जो लड़का है, जो प्रयागराज और दिल्ली जैसे जगहों पर पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए आता है, अगर वो 4-5 साल तक उनके रिजल्ट ना आए या 2 साल उनका डिले हो अगर भर्ती का, तो उनके खर्चे पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। तो इससे समझा जा सकता है कि इस समय हताशा है, निराशा है। एक तो लॉकडाउन के बाद में जिस तरीके से जो लोग नौकरियों में हैं उनकी नौकरियां तक जा रही हैं, जिनके घर वाले अपना पैसा देकर लोगों को पढ़ा रहे थे, बाहर पढ़ा रहे थे, वो अब ये कह रहे हैं कि आप वापस लौट आओ। तो इस तरीके का माहौल है। अगर इसमें परीक्षा नहीं करवाई जाएगी या परीक्षा के रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे या परीक्षा करवा कर चयनित उम्मीदवारों को भर्ती नहीं किया जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा निराशा फैलेगी। और हम देख रहे हैं कि आजकल गांव में भी आप देखिए कि तमाम सारे जो लोग प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे उनकी जॉब चली गई है। तो एक इस माहौल में सरकार को चाहिए कि इनकी समस्याओं की ओर ध्यान दें और कम से कम एक चीज़ ज़रूर सरकार करे,
कि परीक्षा वक्त से ले और उसका नतीजा वक्त से दे। अगर आपको परीक्षा नहीं लेनी है तो आप कुछ दिन तक टाल दीजिए, लेकिन अगर परीक्षा आप वक्त पर उसका रिजल्ट नहीं देते हैं तो ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेशन इन छात्रों के भीतर उत्पन्न होता है। रवीश, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस तरह से रवीश ने हमें पहले बताया था कि किस तरह से आज छात्रों ने, बेरोजगारों ने मिलकर शाम 5:05 पर ताली और थाली बजाने का ये आह्वान किया था कि अपनी जो समस्याएं सरकार के सामने रखें, और इसका असर भी हुआ। ये जानकारी आपको दे देते हैं कि रेलवे ने ऐलान किया है कि वो 1,40,000 पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाओं के पहले चरण का आयोजन करेगा। रेलवे ने कहा है कि इन 1,40,000 पदों के लिए 2,42,00,000 से ज़्यादा आवेदन मिले थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए अब इन परीक्षाओं की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। और साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो ट्वीट किया है कि रेलवे में विभिन्न पदों की सभी तीनों श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूर्ण की जा चुकी है, विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। COVID situation and also considering that NEET and JEE exam is going on smoothly, Railway has decided that we will start exams for all these three category of vacancies from 15th of December. From 15th of December, Railway is going to start conducting the computer-based test, and a detailed schedule will be announced very soon. तो हाल के तनाव के बीच LSE मुद्दे पर पहली बार मॉस्को में राजनीतिक स्तर की बातचीत हुई है। चीन की पेशकश पर वहां के